कद्दू बेटा, कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? अरे नहीं मामा, बस थोड़ा सा सर घूम गया। अच्छा कद्दू बेटा, जाओ वो बल्ब को बुझा दो और दरवाजे को बंद कर दो, सोने का अब टाइम हो गया। हाँ मम्मी, मैं अभी जाता हूँ, बल्ब को बंद कर देता हूँ और दरवाजे को बुझा देता हूँ। अरे पागल बेटा, दरवाजे को बंद करने और बल्ब को बुझाने। अरे कद्दू बेटा, आज मेरे सर में काफी दर्द है, तुम ऐसा करो अंदर किचन में जाओ और किचन में जाकर वहाँ पर पेट्रोल से लकड़ी को आग जलाकर उस पर 1 किलो दूध गरम करके ले आओ, जल्दी करो। शाबाश बेटा। हाँ मम्मी, मैं अभी किचन में जाता हूँ और वहाँ पर 1 किलो लकड़ी को जलाकर दूध में पेट्रोल डाल के ले आता हूँ। अरे कद्दू बेटा, तू पागल तो नहीं हो गया? अरे कद्दू बेटा, आजकल हमारे इलाके में बहुत ज्यादा डायनासोर आ गए हैं, तुम ऐसा करो बाजार जाओ और वहाँ से 5 कुत्ते और 20 किलो आलू ले आओ। हाँ मम्मी, मैं अभी बाजार जाता हूँ और वहाँ से 5 आलू और 20 किलो कुत्ते ले आता हूँ। कद्दू बेटा, तुम्हारे पापा कल शाम से गायब हैं, अभी तक घर नहीं आए। अरे क्या, कल शाम से घर नहीं आए? तो मामा बाहर जाकर पता करो ना, कहाँ गए हैं वो? हाँ बेटा, मैं बाहर जाकर पता करती हूँ, तुम घर का ध्यान रखना। अरे भाई साहब, आपने मेरे पति को देखा है? अरे नहीं बहन जी, लेकिन क्या हुआ है? अरे भाई साहब, वो कल शाम से बाहर सब्जी लेने गए थे, लेकिन अभी तक घर नहीं आए। अरे बहन जी, इसमें परेशान होने की क्या जरूरत है, आप कोई और सब्जी पका लें। अरे कद्दू पद्दू, ये तुम क्या कर रहे हो? अरे पापा, आप अंधे हो, देख नहीं सकते, हम कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। अरे पापा, ये बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। बेटा मेरी चप्पल भी बहुत ज्यादा टेस्टी है। अरे नहीं पापा, डॉक्टर ने हमें सख्त खजा खाने से मना की है। अरे भाई चलो थोड़ी सी कसरत कर लेते हैं, बहुत पी लिया हमने आज। एक, दो, सात, दस, बस। अरे कद्दू पद्दू, अरे कद्दू पद्दू, जल्दी करो, यहाँ पर किसी जगह छुप जाओ, जल्दी करो छुप जाओ। लेकिन भाई साहब क्या हुआ है? अरे भाई साहब, हमारे मोहल्ले में एक बहुत ही बड़ा खतरनाक शेर आ गया है, वो हमारे घर की तरफ ही आ रहा है, जल्दी करो छुप जाओ। अरे क्या, शेर शेर? अरे अरे, बाकी तो सारे छुप गए हैं, मैं कहाँ छुपूं? ऐसा कर दूं, फ्रीजर के अंदर छुप जाता हूँ। अरे वाह, इतना बड़ा फ्रीजर, आज तो मजे मजे के लेग पीस मिलेंगे इस फ्रीजर से। अरे ओ शेर खान, मैं फ्रीजर के अंदर नहीं छुपा हुआ। अरे ये इंसानी बच्चे की आवाज कहाँ से आई है? अरे ओ शेर खान, बेड के नीचे से आ रही है, बेड के नीचे से। अरे कद्दू के बच्चे, ये तूने क्या कर दिया, तूने तो मुझे आज मरवा दिया है। अरे ओ छोटे इंसानी बच्चे, आराम से बाहर आ जा बेड के नीचे से। अरे ओ शेर खान, ये ले तेरा लेग पीस, तेरा लेग भी यहाँ है फ्रीजर में। अरे ओ पागल पद्दू, तूने फ्रीजर का दरवाजा क्यों खोला है? तो भाई तूने भी मेरा बताया था बेड के नीचे शेर खान को। Oh,
अरे वो इंसानी बच्चों, बहुत लड़ लिया है तुम लोगों ने, अब मेरे पेट के अंदर आराम से लड़ना। अरे ओ नलेको, यहाँ ऊपर आ जाओ वरना नीचे तो शेर खान खा जाएगा। अरे ओ शेर खान, ऊपर देखो पंखे की तरह तुम्हारा दादा बैठा हुआ है। अरे पदु भाई भागो 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 भागो, शेर हमारे पीछे आ रहे हैं, और तेज भागो। अरे भाई अब हम क्या करें, शेर हमारे बहुत ही करीब आ गए। अरे भाई जल्दी करो, इस बड़े प्लाजे के ऊपर चढ़ जाते हैं, जल्दी करो ऊपर चढ़ो। अरे वो इंसानी बच्चों, कब तक तुम ऊपर बैठोगे, मैं नीचे बैठा हूँ तुम्हारा लेग पीस खाने के लिए। अरे भाई अब हम क्या करें, शेर खान तो नीचे बैठा है। अरे भाई वो देखो बड़ा सा पत्थर, जल्दी करो इस पत्थर को इस शेर खान के ऊपर गिरा दो। अरे इतना बड़ा पत्थर आ रहा है, अरे ये इंसानी बच्चे तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, अरे भागो 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 भागो। अरे वाह पद्दू भाई, ये तो बहुत ही खूबसूरत मोबाइल है, ये तुमने कहाँ से लिया है? अरे पिंकी ये मैंने रेस में जीता है, रेस में। अरे क्या रेस में? लेकिन रेस में कितने लोग शामिल थे? 3 पुलिस वाले, 1 मोबाइल शॉप वाला और 1 मैं। अरे मामा पापा और पद्दू जल्दी करो उठो। जी बेटा बताओ। अरे मामा आज संडे है, स्कूल से छुट्टी है, चलो आज ये गेम खेलते हैं, बहुत मजा आएगा। अरे क्या गेम, चलो 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 चलो। हाँ कद्दू बेटा बताओ कौन सी गेम खेलनी है? अरे मामा पहले हम टास्क कराते हैं, जो टास्क हार जाएगा उसकी आंखों पर हम काली पट्टी बांध देंगे। हा? फिर जब काली पट्टी उसकी आंखों पर बांध देंगे फिर उसको हम सबको ढूंढना होगा। ठीक है बेटा हमें समझ आ गया, चलो आओ टास्क कराते हैं। ये लो मैं पहले जीत गया। ये लो मैं भी जीत गई। ये लो मैं भी जीत गया। अब कद्दू तेरी अब बारी है, तेरी आंखों पे हम काली पट्टी बांधेंगे फिर हम सबको तुम्हें ढूंढना होगा। अच्छा ठीक है, तुम सब लोग मेरी आंखों पे काली पट्टी बांध कर कहीं छुप जाओ, फिर मैं तुम्हें ढूंढता हूँ। No. अरे छुप गए हो छुचंद्रों। हाँ कद्दू आ जाओ हम छुप गए हैं। अरे अरे ये चुचंदर कहाँ छू चुका रहे होंगे, कहाँ छू चुका रहे होंगे। ये क्या कर दिया रे, ये कौन है कौन है? कद्दू बेटा चलो आज मुझे इंग्लिश सुनाओ जो मैंने तुझे कल सिखाई थी। हाँ मामा आप पूछे, मुझे सब आता है। अच्छा बेटा बताओ चाचे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरे मम्मी चाचा को इंग्लिश में चादर कहते हैं, चादर। अरे बेवकूफ, चाचा को इंग्लिश में अंकल बोलते हैं, अंकल। हाँ मम्मी सही है आप बोल रही हैं, अंकल बोलते हैं अंकल। अच्छा बेटा बताओ खाला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जी मम्मी खाला को इंग्लिश में खाला को एंटीना बोलते हैं। अरे पागल, एंटीना नहीं बोलते, आंटी बोलते हैं, आंटी। जी मामा सही है आप बोल रही हैं, आंटी बोलते हैं, आंटी। अच्छा बेटा आप बताओ खाला के बेटे को क्या बोलते हैं? एंटीवायरस।
दादू भाई, ये तूने मेरी सारी पेप्सी क्यों पी ली है? अरे नालायक, ये तेरी पेप्सी नहीं है, ये पापा मेरे लिए पेप्सी लाए थे। नहीं भाई, ये मेरी पेप्सी है। अरे कद्दू पद्दू, तुम क्यों लाड़े कुत्तों की तरह? बाहर जाकर देखो, तुम्हारे पापा आए होंगे। अरे पापा, ये पद्दू का बच्चा मुझे मेरी पेप्सी नहीं दे रहा। अरे पापा, ये साला झूठ बोल रहा है, ये सिर्फ पेप्सी मेरी है। नहीं पापा, ये पेप्सी सिर्फ मेरी थी। नहीं पापा, ये पेप्सी सिर्फ मेरी थी। अरे कद्दू पद्दू, तुम क्यों लड़े कुत्तों की तरह? अच्छा अब लड़ना बंद करो, मैं बाजार जा रहा हूँ, तुम्हारे लिए नई बोतलें ले आती हूँ पेप्सी की। अरे भाई, मुझे लगता है आज पापा हमारे लिए बहुत ज्यादा पेप्सी की बोतलें लेकर आएंगे, जिनको पीऊंगा मैं और मेरे अंदर बहुत ज्यादा ताकत आएगी। हाँ भाई, मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा ताकत आएगी, फिर मैं तुझे एक पंच मारूंगा और तू किसी गटर में जा गिरेगा। अरे भाई, मैं तुझे ऐसा पंच मारूंगा, ऐसा पंच मारूंगा कि तेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। अरे कद्दू पद्दू, तुमने फिर लड़ना शुरू कर दिया है, बाहर जाकर देखो, तुम्हारे पापा आ चुके होंगे नई पेप्सी लेकर। अरे कद्दू पद्दू बच्चों, ये देखो, आज मैं तुम्हारे लिए इतने ज्यादा पेप्सी और कोका कोला के कैन लेकर आया हूँ। अरे वाह पापा, अब तो हम रोज पेप्सी पिएंगे, कभी पेप्सी पियो कभी चाय पियो, कभी पेप्सी पियो कभी चाय पियो। ए अरे नहीं भाई, ये सारे कैन सिर्फ मैं ही पीऊंगा। नहीं भाई, मैं पीऊंगा। नहीं भाई, मैं पीऊंगा। अरे कद्दू पद्दू, तुम क्यों लड़े कुत्तों की तरह? छोड़ो, मैं ये कैन वापस करके आता हूँ। अरे नहीं पापा, आप ये कैन वापस नहीं करेंगे। बेटा, अगर इसके बाद तुमने कोई बकवास की ना, तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। अच्छा पापा, तो ये बात है, तो ये ले। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अरे कद्दू के बच्चे, ये तूने क्या किया है? अरे पापा, वही किया है जो आपने अभी देखा है। अरे पिंकी और पद्दू, तुम यहाँ पर खड़े होकर क्या तमाशा देख रहे हो? जल्दी करो, अंदर से मेरा बड़ा सा डंडा ले आओ, आज मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। हाँ पापा, आज ये साले की खूब धुलाई करना, ये रोज चीजें तोड़ देता है हमारे घर की। अरे 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 अरे, कोई तो बचाओ, ये चूहा ढुआ हमें खा जाएगा। अरे कद्दू पद्दू के बच्चों, तुम कहाँ गए हुए थे बाहर लोफरी करने? अरे पापा, वो बाहर हम खेल रहे थे कि तीन बड़े चूहे के बच्चे हमारे पीछे पड़ गए हैं और वो इधर ही आ रहे हैं। अरे कद्दू पद्दू के बच्चों, तुम जल्दी करो, यहाँ पे उल्टा होकर लेट जाओ, तुम बहुत बड़े लोफर और लोफरी करने जाते हो बाहर। अरे पापा, ये लो, हम उल्टा यहाँ पर लेट गए हैं, अब हमें क्या दोगे, लड्डू खिलाओगे क्या? अरे कद्दू पद्दू के बच्चों, आज मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, आज ये इंजेक्शन मैं तुम दोनों को लगा के ही रहूंगा। अरे नहीं पापा प्लीज, हमें ये इंजेक्शन ना लगाना, वरना हमें बहुत ज्यादा दर्द होगा। अरे नहीं कद्दू पद्दू, आज ये इंजेक्शन मैं तुम दोनों को ठोके रहूंगा, ठोके। अरे कद्दू पद्दू, अरे कद्दू पद्दू जल्दी करो, अरे भाई साहब जल्दी करो, इस घर से फौरन भाग जाओ। अरे भाई साहब, क्या हुआ है, क्या हुआ है भाई साहब? अरे कद्दू पद्दू, अरे भाई साहब जल्दी करो, हमारे घर की तरफ बहुत बड़े बड़े ज़ोंबीज आ रहे हैं, वो हमें कच्चा खा जाएंगे। अरे क्या ज़ोंबी?
अरे क्या ज़ॉम्बी? अरे क्या ज़ॉम्बी? जी हाँ भाई साहब, हमारे घर की तरफ बहुत बड़े बड़े ज़ॉम्बीज आ रहे हैं, जल्दी करो छुप जाओ। अरे भाई साहब, मुझे लगता है ज़ॉम्बीज आ गए हैं, तभी ये दरवाजा जोर से हिला रहे हैं ज़ॉम्बीज। अरे ओ ज़ॉम्बीज के बच्चों, ये दरवाजा ज्यादा मत हिलाओ, ये टूट जाएगा, तेरा दादा टूट जाएगा। अरे ओ नलायक कद्दू, ये ज़ॉम्बीज हैं, को तेरे दोस्त नहीं जो तेरी बात सुन लेंगे। अरे पापा और पदू, जल्दी करो, अंदर से बड़ी बड़ी बंदूकें ले आओ, ये ज़ॉम्बी जैसे अंदर दाखिल होंगे हम इनको गोली मार देंगे। हाँ बेटा, जिंदगी में पहली दफा तूने सही बात की है, मैं अभी अंदर से बड़ी बड़ी बंदूकें लेकर आता हूँ। अरे कद्दू भाई, इन सारे ज़ॉम्बीज़ को आज मैं सिर्फ गोली मारूंगा, मैं ही गोली मार के इनको हलाक करूंगा। अरे नहीं पद्दू भाई, मैं गोली मारूंगा। अरे नहीं भाई, मैं मारूंगा गोली। अरे कद्दू पद्दू, तुम क्यों लड़े कुत्तों की तरह, अग्रेस के बाद तुम लड़े ना तो मैं तुम दोनों को गोली मार दूंगा। अरे पापा, मेरे जेन में एक बहुत ही मस्त आइडिया आया है। कौन सा बेटा? अरे पापा, हम ऐसा करते हैं, छत पर जाते हैं और छत पर जाकर इन ज़ॉम्बीज को ऊपर से गोली मार देंगे। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही कहा है, चलो जल्दी करो, सब छत पर जाते हैं। अरे पापा, ये ज़ॉम्बीज कहाँ गए हैं? अरे भाई, मुझे लगता है ये होटल पर नाश्ता करने गए होंगे। अरे नलायक कद्दू पद्दू, पीछे तो देखो, पीछे पीछे तो देखो, पीछे पीछे तेरे दादे खड़े हैं। अरे बाप रे, ये साले तो छत पर आ गए हैं, अब हम क्या करें पापा? अरे कद्दू पद्दू बच्चों, तुम बिल्कुल चिंता ना करो, अब मैं तुम लोगों को अपनी सुपर पावर दिखाता हूँ। अरे कद्दू बेटा, आज तू इतनी ज्यादा कसरत क्यों कर रहा है? अरे पापा, आज से मैं अपना नया बिजनेस शुरू करने वाला हूँ, बिजनेस। अरे क्या, तू बिजनेस करेगा? अरे जा, बाहर जाकर पहले मजदूरी करके आ, घर में खाने के लिए रोटी नहीं है और तुझे बिजनेस की पड़ी है। अरे नहीं पापा, मैं करूंगा तो सिर्फ वो सिर्फ बिजनेस ही करूंगा, बिजनेस। अरे कद्दू बेटा, बिजनेस करने के लिए 1 करोड़ रुपया चाहिए होता है और तेरे पास तो 1 रुपया भी नहीं है, तू कहाँ से बिजनेस करेगा? अरे महाराज, क्या हो गया तुम दोनों को, आज क्यों इतना शोर मचा रहे हो? अरे मामा, मैंने नया बिजनेस शुरू करने है, बिजनेस। अरे कद्दू बेटा, तेरे से तू अपनी सलवार नहीं चेंज करने होती, तू बिजनेस कहाँ से करेगा? अरे नहीं मम्मी, आप देखना, जब मैं एक दिन बड़ा बिजनेसमैन बनकर आऊंगा तो सब लोग मुझे सलाम ठोकेंगे, वो कहेंगे सलाम कद्दू भाई, सलाम बिजनेसमैन। अरे कद्दू बेटा, तू आज क्यों पागल हो गया? घर में खाने के लिए रोटी नहीं है, आटा नहीं है, बाहर जा, पहले मजदूरी करके आटा लेकर आ। अच्छा मम्मी पापा, मैं जा रहा हूँ बिजनेस करने के लिए, मैं आ...
बड़ा बिजनेसमैन बनकर ही घर वापस आऊंगा। अरे कद्दू बेटा रुक, कहाँ जा रहे? अरे 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 कहाँ जा रहे? रुक रुक, अब देखना जब मैं बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊंगा तो सब लोग मुझे सलाम ठोकेंगे। सलाम कद्दू भाई सलाम। अरे पापा मैंने भी बिजनेसमैन बनना है, बिजनेसमैन। अरे बल्ला ले लो, गेंद ले लो, गेंद ले लो, बल्ला ले लो, फुटबॉल ले लो, आजो आजो सस्ते रेट में ले जाओ। अरे भाई साहब ये बैट कितने का है? अरे भाई साहब ये बहुत ही मजबूत बल्ला है, ये सिर्फ 500 का है। हाँ? अरे भाई साहब आप तो कह रहे थे ये बहुत ही मजबूत बल्ला है, ये तो एक ही झटके में टूट गया है। अरे मुझे लगता है मैं एक बहुत बड़ा मजबूत बिजनेसमैन बनने जा रहा हूँ। अरे भाई साहब ये फुटबॉल कितने का है? अरे भाई साहब ये बहुत ही मजबूत फुटबॉल है, ये सिर्फ 1,000 रुपए का है। अरे भाई साहब आप तो कह रहे थे ये बहुत ही मजबूत फुटबॉल है, ये तो टूट गया है। अरे काजल बिटिया चलो आज जाते हैं, आज देखते हैं कद्दू ने कौन सा नया कारोबार शुरू किया है। हाँ पापा चलो जाते हैं और देखते हैं, लेकिन पापा हम किस बार बैठ कर जाएंगे? मेरी खोपड़ी पर बैठ कर जाएंगे। अरे गाड़ी जो है वो निकालो बाहर, उस पर बैठ कर जाते हैं। पापा वो देखो वो लोफर आवारा कद्दू अपना बिजनेस चला रहा है। बल्ला ले लो, गेंद ले लो, फुटबॉल ले लो, बहुत ही मजबूत बल्ले और फुटबॉल, आ जाओ ले जाओ। अरे सुनाओ कद्दू बेटा तुम्हारा बिजनेस कैसे चल रहा है, लोग तुम्हें सलाम कर रहे हैं या नहीं? अरे पापा लोग सलाम तो कर रहे हैं लेकिन थप्पड़ों से। अरे पद्दू भाई वो देखो पापा की पराडो कार, पराडो। अरे वाह कितनी खूबसूरत कार है। अरे भाई चलो आज घूमने फिरने जाते हैं जंगल। हाँ भाई चलो चलो चलो। ये कार चलाने में तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, ये या 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 या। अरे भाई थोड़ी सी स्पीड दो ना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। अरे भाई ये क्या, मुझे लगता है पीछे हमारी गाड़ी में कोई बैठा हुआ है। अरे नहीं भाई हमारी गाड़ी में किसने बैठना है, जब हम आए थे तो इस गाड़ी में कोई भी नहीं था, ये खाली गाड़ी थी। अरे भाई मैंने अभी देखा है पीछे से कोलाड़ा सामने आया था, मुझे कोलाड़ा दिखाई दे रहा है, किसी के हाथ में कोलाड़ा है। अरे क्या कक 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 कोलाड़ा।
अरे भाई ये क्या, हमारी गाड़ी में तो जैसन बैठा हुआ है, वो तो बहुत ही जालिम दरिंदा है, वो तो हमें मार देगा, अब हम क्या करें? अरे भाई अब क्या करना है, जल्दी कर वो बटन दबा, गाड़ी ऊपर हवा में उड़ेगी और जैसन नीचे गिर कर मर जाएगा साला। अरे भाई शुक्र है जैसन गिर कर मर गया है, बड़ा आया था साला पराडो कार में बैठने मजे करने सैर करने। अरे कद्दू बेटा उठ, शाबाश, तुम्हारे स्कूल का टाइम हो गया है, स्कूल जा बेटा। अरे पापा सोने दो ना मुझे, सोने दो ना, क्यों तंग कर रहे हो मुझे? अरे कद्दू बेटा तू उठता है या नहीं, या मैं तुझे मिर्च वाला इंजेक्शन लगाऊं? ओ अरे पापा जो मर्जी करना है कर लो, लेकिन आज मैं नहीं उठूंगा। रुक कद्दू बेटा, तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरा भी मैं इलाज करता हूँ। अरे बाप रे इतने ज्यादा इंजेक्शन? हाँ कद्दू बेटा आज मैं तुझे ये सारे इंजेक्शन ठोकूंगा, तब तू रोज स्कूल जाएगा कुत्ते की तरह। अरे पापा प्लीज मुझे ये इंजेक्शन ना लगाना, मैं रोज स्कूल जाऊंगा, प्लीज मुझे ना लगाना मुझे। अरे नहीं कद्दू बेटा, आराम से ये एक इंजेक्शन लगवा ले, वरना ये सारे इंजेक्शन मैं तुझे ठोकूंगा। हाँ पापा एक इंजेक्शन लगा दो, लेकिन प्लीज सारे इंजेक्शन मत लगाना। अरे पद्दू बेटा तुम ही यहाँ पे उल्टा हो जा, तुम ही रोज स्कूल नहीं जाता। अरे पापा इस पद्दू को दो इंजेक्शन ठोकना, ये पूरे एक साल से स्कूल नहीं गया। हाँ बेटा ये साला रोज गेम खेलता रहता है, इसे मैं दो नहीं चार इंजेक्शन ठोकूंगा, चार इंजेक्शन। अरे प्लीज पापा मुझे चार नहीं सिर्फ एक इंजेक्शन लगाना, ताकि स्कूल में मैं काजल के साथ आराम से बैठ भी सकूं। अरे रुक बेटा तुझे अभी मैं स्कूल में काजल के साथ आराम से बिठाता हूँ, आराम खोर ये ले। बिछवाड़ा लाल कर दिया रे पापा। अरे अरे ये इंजेक्शन किसी को मत लगाना। अरे ओ पंडा साहब आप इतना घबराए हुए क्यों है, क्या बात है? अरे पंडा साहब आप यहाँ पे आराम से बैठे कुर्सी पे, मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। हाँ मुतरमा साहब आप जल्दी करें, 5 गिलास पानी के लिए आए मेरे लिए। लेकिन पंडित साहब आखिरकार हुआ क्या है, कोई तो बांको ना, कोई तो बकवास करो ना अपने मुंह से, हमें बताओ ना क्या हुआ है। अरे शर्मा जी असल में बात ये है ना कि मार्केट में कुछ लोग इंजेक्शन में जहर डालकर बेच रहे हैं, इसलिए आपने ये इंजेक्शन किसी को नहीं लगाने, वरना जिसको लगाओगे वो मर जाएगा आधे घंटे बाद। अरे क्या पंडित जी इंजेक्शन में लोग जहर डालकर बेच रहे हैं? जी शर्मा जी आपने सही पहचाना। लेकिन पापा आपने तो मुझे अभी इंजेक्शन ठोका था मेरे बिछवाड़े में, इसका मतलब मैं भी अब मरने वाला हूँ। क्या बेटा तुझे तेरे पापा ने जहर वाला इंजेक्शन ठोका है? अरे पापा मेरे सर में काफी चक्कर आ रहे हैं। अरे आई 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 अरे पापा ये कद्दू तो मर गए, आपने मुझे भी इंजेक्शन ठोका था, अब मैं भी मरने वाला हूँ। हाँ कद्दू बेटा ये कद्दू तो मर गए, अब तू भी मरने वाला है 20 मिनट के बाद, तेरी को आखिरी ख्वाहिश है तो बता दे मैं पूरी कर दूंगा। क्या पापा आप मेरी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर देंगे? हाँ बेटा पूरी कर दूंगा, बता बेटा तुझे क्या क्या चाहिए, बता अभी बता, जो चाहिए बता दे मुझे आज। अरे पापा मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि आप मुझे 20 पिज़्ज़े, 10 बर्गर, 20 हेलीकॉप्टर और 20 मोबाइल दे दे अभी। अरे पद्दू बेटा तुझे फिर मोबाइल की पड़ गई है, तेरी मौत करीब आने वाली और तुझे मोबाइल की पड़ गया, रोक मैं तुझे मोबाइल देता हूँ अभी। अरे कद्दू बेटा चलो आज मुझे इंग्लिश सुनाओ जो मैंने तुझे कल सिखाई थी। हाँ मामा आप पूछे मुझे सब आता है। अच्छा बेटा बताओ चाचे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अरे मम्मी चाचा को इंग्लिश में चादर कहते हैं, चादर।
अरे बेवकूफ, चाचा को इंग्लिश में अंकल बोलते हैं, अंकल। हाँ मम्मी सही है आप बोल रही हैं, अंकल बोलते हैं अंकल। अच्छा बेटा बताओ, खाला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जी मम्मी, खाला को इंग्लिश में खाला को एंटीना बोलते हैं। अरे पागल, एंटीना नहीं बोलते, आंटी बोलते हैं आंटी। जी मामा सही है आप बोल रही हैं, आंटी बोलते हैं आंटी। अच्छा बेटा आप बताओ, खाला के बेटे को क्या बोलते हैं? एंटी वायरस। भाई जल्दी चल, हमें बहुत देर हो गई है। मैंने सुना है जंगल में ज़ोंबीज़ भी रहते हैं, अगर ज़ोंबीज़ ने हमें पकड़ लिया तो वो हमें भी काट लेंगे और हमें काट कर वो ज़ोंबीज़ बना देंगे। भाई जल्दी चल। अरे भाई ऐसी बातें मत करो, मुझे बहुत डर लग रहा है। सॉरी भाई जल्दी चलो चलो जल्दी चलो। अले भाई सामने देख, ज़ोंबी आ रहा है, अब हम क्या करें? भाई देख क्या रहा है, चल पीछे भाग। अरे ये क्या, पीछे से भी ज़ोंबी आ रहा है। भाई चल उस तरफ चलते हैं। अले भाई अब हम क्या करें, ज़ोंबीज़ तो चारों तरफ से आ गई हैं, ये ज़ोंबीज़ हमें काट लेंगे भाई, हमें ज़ोंबीज़ बना देंगे। भाई मुझे बहुत डर लग रहा है, अरे भाई डरो मत, हिम्मत रखो, हम इन ज़ोंबीज़ से लड़ेंगे, हम इन ज़ोंबीज़ को हमें काटने नहीं देंगे। चलो भाई इनको मजा चखाते हैं। अरे भाई तुम ही इनको मजा चखाओ, मेरे तो डर की वजह से टांगे कांप रही हैं। भाई हम इन ज़ोंबी से नहीं लड़ सकते, ये ज़ोंबीज बहुत रहते हैं, वो देखो हर तरफ से ज़ोंबी आ रहे हैं। भाई चलो हम बाबा को बुलाते हैं, वही हमें बचाएगा। बाबा बाबा हमें इन ज़ोंबी से बचाओ। तुम चिंता मत करो बिट्टू सिट्टू, मैं अभी इन ज़ोंबीज को मजा चखाता हूँ।